इसराइल पर ईरान और हिजबुल्ला की तरफ से अभी तक के सबसे बड़े हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि ईरान इसराइल पर 15 अगस्त 2024 तक जवाबी हमला कर सकता है। लेकिन इस सब के बीच इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला ने कोहराम मचा रखा है और अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल के ऊपर ईरान और हिजबुल्ला की तरफ से डबल अटैक होने जा रहा है। दरअसल इजरायली सेना को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुल्ला की राडवान फोर्स उत्तरी इसराइल पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है। IDF का कहना है कि राडवान फोर्स के पास उत्तर में घुसकर सेटलमेंट्स में अपना झंडा लहराने और उस इलाके को आग के हवाले करने की ताकत है और ऐसे में हिजबुल्ला को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन इसराइल पर कोई बड़ा हमला करने से पहले हिजबुल्ला हर सेकंड में उत्तरी इसराइल को अपने हमलों से दहला रहा है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने हर एक मिनट में उत्तरी इसराइल पर 6 बड़े हमले किए हैं, जिससे इसराइल दहला हुआ है। हिजबुल्ला का कहना है कि गैतोन में बने नए 146वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर को ग्रेड रॉकेट के सालवो से उड़ा दिया गया। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने 12 अगस्त 2024 की सुबह इस हमले के बाद मेतुला सेटलमेंट में कई राउंड रॉकेट और गोला बारूद दागा है और इस हमले के कुछ घंटों बाद सुमाका मिलिट्री साइट पर गोला बारूद से हमला किया गया और शाम होते होते करीब 7:15 पर हिजबुल्ला ने हनीता मिलिट्री साइट के करीब इजरायली सैनिकों के ऊपर बड़ा हमला कर दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक इस दौरान अल आलम मिलिट्री साइट पर भी हमला किया गया है और अल मलिकिया साइट पर तो सीधे रॉकेट हमला किया गया, जिससे IDF को भारी नुकसान हुआ है। वहीं हिजबुल्ला के इन हमलों के बीच इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने IDF की एक बड़ी बैठक की है, जिसमें उन्होंने कई मोर्चों से युद्ध की योजना को मंजूरी दे दी है। हलेवी का कहना है कि हम उच्च स्तर पर युद्ध के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में IDF के डिप्टी चीफ, इंटेलिजेंस हेड, ऑपरेशन के डायरेक्टर्स, उत्तरी कमांड के मुखिया और एयरफोर्स के हेड ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि इस मीटिंग के पीछे एक बड़ा कारण है, वो ये कि 12 अगस्त 2024 को अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने अपनी एक खबर में कहा कि इसराइल पर अगले 24 घंटों में ईरान और हिजबुल्ला की तरफ से हमला हो सकता है, जिसके मद्देनजर IDF ने ये मीटिंग बुलाई थी। इसको लेकर इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि हम सतर्कता और तैयारी के दौर में हैं। तेहरान और बेरूत से खतरा हकीकत में कभी भी बदल सकता है और सभी को इसके बारे में तैयार रहने के लिए बताना जरूरी है, और सतर्कता का मतलब ये नहीं कि हम खौफ और दहशत में हैं। वहीं इस सब के बीच ईरान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी करके ईरान को चेतावनी दी है कि वो इसराइल पर हमला न करे, जिससे पूरा इलाका एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। तीनों देशों ने अपने बयान में कहा कि हम गंभीरता से इस क्षेत्र में बढ़े हुए तनाव को लेकर चिंतित हैं और तनाव कम करने और इलाके में स्थिरता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर एकजुट हैं। इस परिपेक्ष में और विशेषकर हम ईरान और उसके सहयोगियों से कहते हैं कि वो हमला करने से बचें, जिससे इलाके में और ज्यादा तनाव न भड़के और गाजा में युद्ध विराम के मौके और इजरायली बंधकों की रिहाई की बातचीत लड़खड़ा न जाए। आपको बता दें कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो वो अपने कृत्यों और शांति और स्थिरता को खत्म करने की जिम्मेदारी लेगा। हालांकि इतना सब होने के बावजूद
ईरान के विदेश मंत्री अली बागेरी कानी ने चीन के विदेश मंत्री वैंग यी से साफ कह दिया है कि ईरान के पास उपयुक्त जवाब देने और रोकने का अधिकार है। आपको बता दें कि ईरान से बढ़ते खतरों को देखते हुए इजराइल काफी चौकन्ना हो चुका है और ईरानी अटैक को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने भी कहा है कि ईरान की तरफ से इस हफ्ते हमला हो सकता है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि हमारी चिंता साझा है और हम अपने इजरायली समकक्ष को बताना चाहते हैं कि ये इस हफ्ते हो सकता है। आपको बता दें कि जॉन किर्बी ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी ईरानी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किर्बी के मुताबिक हालिया दिनों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ाया है और ये मौजूदगी 13 से 14 अप्रैल 2024 को हुई इसराइल पर हमले से भी ज्यादा है। अमेरिका का कहना है कि हम इसराइल के ऊपर दोबारा अप्रैल जैसा हमला देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ये होता है तो अमेरिका इसराइल की रक्षा करेगा। Just say a couple of things. Number one, we still believe a ceasefire deal is the best way to bring this war to an end. Look, when the Supreme Leader says he's going to avenge, we have to take that seriously. Now, I don't know what they're going to do or when they're going to do it, but we got to make darn sure that we're ready and that we have the capabilities in the region to be able to help Israel defend itself and, quite frankly, defend our own people, our own facilities, our own national security interests. We've also been very, very consistent about proving, not just with words, but with action, that we're going to stand up and defend Israel. I mean, on the April 13th, when Iran launched 300 missiles and drones, the United States had aircraft, fighter planes in the air to knock them down. We've now added additional naval and air assets to the region to help defend Israel again. I think we've proven time and time again that we're going to support Israel.